मुझे जो बहुत पसंद हाँ। है जिसका शो मैं देखता भी हूं अच्छा लगता है वो ताबिश हाशमी हां वो बहुत टैलेंटेड आदमी है और मुझे उसकी पंच उसका अंदाजे गुफ्तगू और वो सारा वो बहुत अच्छा काम कर और वो आपकी बहुत तारीफें कर आप खुद को क्या कहलवाना पसंद करते हैं टीवी होस्ट बिजनेसमैन दानीश्वर मोटिवेशनल स्पीकर राइटर क्या आप लिखते हैं आई नो सच बता दूं सो मच सो के मैं होल डैम पे गया तो मेरी वाइफ मेरे साथ थी तो जो हमारा गाइड था वो जैसे ही आया उसने मुझे हाथ मिलाते ही कहा इस साल नई लड़की भाई <laughs> <ओ laughs> हालांकि पहली बार गया था कोच कभी भी बाबर आजम नहीं बना सकता कोच अगर चाहे कि कहे कि जी मेरी वजह से बाबर आजम सेंचुरीज कर रहा है नहीं ऐसा तो भाई नहीं। नौ के नौ बाबर आजम बना लो कोच नहीं बना सकता कुछ अपने अंदर सलाहित उसके होनी चाहिए लड़की वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल दसा खान पॉडकास्ट रिवायती तौर पर होता ही है कि जब कोई गेस्ट आप इनवाइट करते हैं तो उनकी तारीफें करते हैं ज़मीन व आसमान के खलाबें मिला देते हैं तारीफ़ों में और झूठी तारीफ़ें भी कभी करनी पड़ती हैं लेकिन आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जब आपने पॉडकास्ट के लिए किसी गेस्ट से बात करनी होती है तो आप डरे हुए होते हैं कि पता नहीं टाइम देंगे या नहीं पहले आप उनसे पूछते हैं कि आई यू कम्फर्टेबल मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर सकती हूँ लेकिन ये वो वाहद गेस्ट हैं कि जिन्हें मैंने सिर्फ कॉल किया और मैंने कहा मैंने आपके साथ पॉडकास्ट करनी है मुझे बताएं कल करेंगे या परसों करेंगे तो इतना मुझे इन पर मान था कि इनकार वाला तो कोई सीन ही नहीं है क्योंकि वो ऐसे टीम लीडर हैं ऐसे कैप्टन हैं जो अपनी टीम के लिए कुछ भी कर गुजरने को हमेशा तैयार रहते हैं आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली हारून रफीक साहब हारून साहब कैसे हैं? अलहमद मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपने जो मेरी तारीफें की मैं तो खुद परेशान हूँ कि मैं कितनी अच्छी अच्छी बातें करने वाला <laughs> कुछ रह तो नहीं गया था कुछ और बोलना था नहीं रह तो अगर तारीफ की बात हो तो काफी कुछ रह गया था अच्छा। लेकिन चलें ले... <laughs> आज मेरा एक ही नाश्ता होता अच्छा एंड इज वन एग

ऑन योर लाइफ आप राइट right नाउ जो कर रहे हैं आपका ध्यान पूरा उसी तरफ होना चाहिए हाँ। अगर आप वहीं मौजूद हैं तो पूरी एनर्जीज वहीं रहेंगी सही? वरना हम अपनी एनर्जीज बांटते रहते हैं कोई क्रिकेट ग्राउंड में छोड़ के आते हैं थोड़ी सी घर में छोड़ के आते हैं थोड़ी सी दोस्तों में और फिर ऑफिस में आगे बैठे होते हैं अगर आप अपनी सारी मेंटल फैकल्टीज को हाजिर रखें उसी जगह रखें तो सारी एनर्जी आप एक जगह ले आते हैं इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है लेकिन कर सकता है आपकी अभी जो लाइफ चल रही है उसको अगर आपने किसी एक हैशटैग में डिस्क्राइब करना हो तो hmm. वो हैशटैग क्या होगा रोलर कोस्टर हैशटैग रोलर कोस्टर यस वेरी एक्साइटिंग लाइफ बहुत एक्साइटिंग चल रही है uh, बहुत एक्साइटिंग भी चल रही है और टर्न्स uh, और यू टर्न्स एंड राउंड थ्री डिग्री टर्न्स और बहुत स्पीड आगे की तरफ और कभी ऊंचाई की तरफ और अल्लाह का शुक्र है आई लाइक इट दिस वे बिकॉज मुझे ये लगता है कि फुर्सत जो है ना वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है और मैं सुबह से लेकर रात तक मेरा जो एक एक घंटा है बल्कि आधा आधा घंटा वो भी टाइम स्लॉट्स जो हैं वो मैंने दी होती किसी न किसी चीज़ को तो रात को मैंने लाई डाउन तो इट तो टेक्स मी लाइक वन वन एंड हाफ मिनट टू स्लीप तो मॉर्निंग रूटीन आपकी है क्या उठते साथ ही क्या करते हैं फिर दिन शुरू कैसे उठते साथ ही सबसे पहले ऐसा मैं ये करता अच्छा। है हाँ। ये जरूरी है <laughs> अच्छा। और पहले ऐसे नहीं करते पहले आंख खुलती है और उसके बाद फिर अंगड़ाई नहीं नहीं मैं आ, मैं एक अदद मर्द हूँ अच्छा। तो हम यूं करें तो अच्छा तो मैं यूं करता हूँ ऐसे और उड़ जाता हूँ उसके बाद वन आवर फॉर माई मदर अच्छा हाँ मैं एक घंटा अपनी मम्मी के पास बैठता हूँ और उनके साथ ढेरों बातें करता हूँ ये रिचुअल है

यह अक्सर लोगों के दिल की आवाज है कि पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा कितना आसान किया मतलब <laughs> है अच्छा वो जो आगा माजिद साहब हमारे शो में बार बार आपकी स्ट्रगल दौर का जिक्र करते रहते हैं वो स्ट्रगल दौर जरा आज हमें भी बताएं क्या आपको मुश्किलात का सामना था में अच्छा बड़ा अच्छा लगता है ये कहना

ऐसे हालात जी बिल्कुल आई थी और बहुत मुश्किल टाइम भी देखा है बट वो ऐसा नहीं था कि मैं उसको कहूँ कि मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया क्योंकि जब मैं लोगों की स्ट्रगल देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैंने बिल्कुल स्ट्रगल नहीं, स्ट्रागल की नहीं, की नहीं की किया बिजनेस अब्बा का था हाँ। जिसपे आके बैठ गए Uh, उस लेगेसी को लेके चलना वो थोड़ा सा एक मुश्किल होता, होता है। लकी है। लोग हैं जिन्हें फील्ड में आने के लिए तो स्ट्रगल नहीं करनी नहीं, पड़ी नहीं। लेकिन फिर वो जो अचीव किया उसको मेनटेन करने के लिए बहुत मेहनत अलहमद और बिल्कुल एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही तशीस किया यही यही बात है तो ये जो आपके अंदर ये कॉमेडी वाला ह्यूमर वाला एलिमेंट है शायद लोग अब उससे हल्का फुल्का वाकिफ़ होना शुरू हुए हमें तो पता है कि आपकी ये भी एक साइड है तो ये आप में जो तो चीज़ आई आप बताते हैं कि आप थिएटर वगैरह देखने जाया करते थे तो किस एज में आपने थिएटर देखना शुरू किया था ऐसा मेरी मदर को क्योंकि रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक था और आ, मुझे ये लगता है कि उनमें आर्ट ना एक मतलब वो आ, जब स्केचेस बनाया करती थी आ, हार्ट का ह्यूमन हार्ट का जी। आ, और ब्रेन का और हमारे नर्वस सिस्टम का इस तरह की वो चीज़ें ड्रा किया करती थी और उनको शौक़ था और उसके अलावा वो पढ़ती अभी पढ़ती हैं लेकिन उतना नहीं पहले बहुत ज़्यादा पढ़ती थी तो हमने अपने घर में ना किताबें बहुत देखीं उसके बाद मेरे मामू और मेरी वालदा वो सीरियस थिएटर देखने जाया करते थे बहुत ज़्यादा और वो उस दौर के वो वाले लोग थे कि जब लोग इतना पढ़ा वड़ा नहीं करते थे तो वो उस दौर में वो ग्रेजुएट्स और वो सारा कि हम जा रहे हैं और देख रहे हैं तो वो थोड़े से अपने वक्त से अबिट आगे थे मतलब मुझे ये याद है कि जिस वक्त अम्मा हमें ड्राइव करके आ, स्कूल से लेने आती थीं तो लोग मुड़ मुड़ के देखते थे कि यार उस वक्त खातून का आ, गाड़ी चलाना बहुत अजीब बात थी लोगों के लिए लोग मुड़ मुड़, मुड़ के देखते थे और इतना ज़्यादा लोग देखते थे कि उसके बाद मदर ने छोड़ दिया गाड़ी चलाना अच्छा जी तो ये छोड़ना पड़ा बिकॉज हुआ ये कि आप देखिए माशरा किस तरह से इवॉल्व करता है कि अब शायद सुन के लोगों को इस बात पे शर्मिंदगी हो कि जब गाड़ी वो चला रही होती थी तो जब लोग देखते थे तो इस तरह बाइक वाला आगे जा रहा है लेकिन मुड़ मुड़ के देख रहा है तो वालिद साहब ने कहा कि आज के बाद आप गाड़ी नहीं चलाएँगे तो उन्होंने फिर गाड़ी नहीं चलाई तो ये आजकल हम ये हरकत कर रहे हैं उन खुतिन के साथ जो स्कूटर या मोटरसाइकिल चला रही हैं तो आने वाले दस बीस सालों में लोगों को इस पर भी शर्मिंदगी होगी कि हम ये क्या करते रहे रहें बहरहाल तो मैं उनके साथ जाया करता था थिएटर देखने एक तो ये साइड थी दूसरा ये था कि जहाँ दूसरा ये था कि न्यू मजंग में एक जगह है अच्छा। जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे है समनाबाद और न्यू मजंग के वहाँ पे हमारा घर था जहाँ मैंने आंख खोली और वहाँ पे मैंने दोनों साइड्स ऑफ द तो सोसाइटी देखी एक तरफ गवर्नमेंट कॉलेज जाना पढ़ना दूसरी तरफ आर्ट्स एंड लिटरेचर और तीसरी तरफ न्यू मजंग का बिल्कुल मोहल्ला वाला सीन ठीक है तो अल्लाह का ये बहुत करम है और वालद साहब थे चकवाल से तो चकवाल में एक बहुत ज्यादा ही रूरल एक एरिया है वसनाल अच्छा। मतलब चकवाल इट तो एक अच्छा टाउन भी है लेकिन जहाँ हमारा घर है वो एक गाँव है वसनाल जहाँ लाइट सड़क ये सब टू में आया तो उससे पहले वो भी नहीं था हमारा घर उससे भी आगे एक पहाड़ के ऊपर है तो मतलब इतने रूरल एरिया से अब्बा थे और वहाँ से मुझे वहाँ की झलक भी थी क्योंकि हम वहाँ जाया करते थे तो गांव भी आ गया लाहौर का जो अंदरून स्टाइल है वो भी आ गया और अच्छी सोसाइटी का भी एक्सपोजर आ गया और अल्लाह का शुक्र है अब्बा के पास पैसा था बिजनेस अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह तो एक वो एक्सपोजर भी था और फिर आप जीसी से पढ़े गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा वहां से भी वहां से अच्छा उसके बाद जो मेरा स्कूल था इट वाज सो अहेड ऑफ इट टाइम्स इट्स आपने देखा है बीकन हाउस एक स्कूल है बीकन हाउस और मेरा स्कूल कौमी फाउंडेशन ये इकट्ठे खुले थे बहुत सी ब्रांचेस लाहौर में इन्होंने इकट्ठी खोली थी। वो बहुत बड़ा स्कूल था आ, लेकिन उसके जो फाउंडर थे ही वो द ओनली ओनर ऑफ द स्कूल सर हुजूर उनका नाम था वो जवानी में ही फौत हो गए अच्छा तो उस वजह से उसकी सारी ब्रांचेस बाद में बंद हो गई बट बाय दैट टाइम मैं वहाँ से पढ़ चुका था लेकिन ऐजा uh, मतलब बहुत हैरानी की बात है जब मैं आज सोचता हूँ नाइन्थ में हम शेक्सपियर पढ़ रहे थे अच्छा बाई द टाइम आई वॉज इन माई टेंथ हम किंग किंगार मैकब शेक्सपियर कीट्स ये सब पढ़ चुके थे जबकि अगर मैं आपकी एज के लोगों से बात करूं तो वो कहेंगे कि क्लास में जाके तो हमने एबीसी पढ़ी थी एबीसी पढ़ी थी that's ऐसा true. है? हाँ, बिल्कुल ऐसा है लेकिन मेरा स्कूल बहुत अच्छा था फिर कॉलेज अच्छा मिल गया तो अल्लाह ताला ने मुझे सोसाइटी का एक थ्री सिक्सटी डिग्री व्यू दे दिया हाँ। फिर उसके बाद मेरी एक और आदत थी और मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा हाथ अल्लाह तला की उस नियमत का है वो ये है कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ आपसे बात कर रहा हूँ मैं आपको साथ साथ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये कैसे बात करती हैं कैसे उठती बैठती हैं आई कैन एक्चुअली आपकी पूरी मैं पर्सनैलिटी को ए के थ्रू ड्रा कर सकता हूँ ठीक है सो so, ये अल्लाह तला ने दिया हुआ था तो मैंने सब कल्चर्स को सब चीजों को फिर ट्रैवलर भी रहा तो वो सब चीज़ें इकट्ठी होकर दिमाग में आ गई तो ह्यूमर इस तरह का था कि Uh, जब मैं अपने घर के बाहर क्योंकि मोहल्लों में रिवाज होता है हाँ जी। कि वो शाम में ना एक जगह लड़के बैठ जाते हैं। तो जब मैं तो वो शुरू से ही था का भी एक मिजाज तो ये नहीं हुआ कभी अब्बा ने कहा खबरदार तुम थिएटर देखने डबल मीनिंग जोक्स होते हैं मुझे नजर ना आना वहां तबा छोड़ दिया था मैंने आप कह लो या 2000 में थिएटर जाना छोड़ दिया था जब ये सब कुछ जब ये पर सब हो स्टार्ट हुआ था मैंने छोड़ दिया पहले था पहले ऐसा नहीं था पहले ऐसा नहीं अच्छा। था और तब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था उसके बाद मैं आज तक नहीं थिएटर गया और हाँ थिएटर गया हूँ जो सीरियस थिएटर्स होते हैं अ, अली ऑडिटोरियम के अंदर होते हैं एक दो और जगह है वहाँ सीरियस थिएटर ओलमोपोलो जी वो वहां पे बहुत अच्छे कभी कुछ चीजें होती हैं वहां मैं जरूर जाता हूँ लेकिन मैं आफ्टर आई गेस मतलब मगर मेरी मेमोरी मुझे धोखा नहीं दे रही दो हज़ार सन दो हज़ार के बाद मैं नहीं गया कभी थिएटर नहीं गया मैं हम थिएटर की बात कर रहे हैं तो अमानुल्ला साहब को हम मैं आउट नहीं कर सकते उनकी हाँ। बात करना यहाँ पर लाजमी होगा क्योंकि आप उनके साथ काफ़ी टाइम गुजार चुके हैं आप उनके अक्सर किस्से भी सुनाते रहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी बात है जो हमारे व्यूअर्स नहीं जानते अमानुल्ला साहब के बारे में वो हमारे साथ शेयर करें एक मरतबा हुआ ये कि अमान साहब मैं क्योंकि वो उनके साथ मेरी बड़ी दोस्ती थी हालांकि एज का बहुत हाँ। फ़र्क था लेकिन मेरी दोस्ती भी थी उनके साथ तो मैं उन्हें तंग करता रहता था मैं उन्हें मैं सोच के जाता था ऐसी जुगते जो मैं उन्हें लगाऊंगा ना हाँ। आज कभी क्योंकि वो उस वक्त जिस होटल में मैं स्विमिंग के लिए जाता था वहीं वो जाते थे अच्छा तो एक दिन ना अच्छा मैं इज़्ज़त भी उनकी करता हाँ। था जाहिर है ऐसा नहीं है कि मैं तो इज्जत भी बहुत करता था तो एक रोज़ क्या हुआ कि वो शावर ले रहे थे और साहब कोई गज़ल गुनगुना रहे थे हाँ। और वो बहुत अच्छी वो गज़ल गुनगुनाते थे, थे। आ, वो उसमें ना थोड़ी सी बदुआएँ हैं पाकिस्तानी है वो उसमें वो बदुआएँ दे रहा है कि तेरे साथ ये हो तू बेकरार रहे वगैरह अपने महबूब को अपने महबूब को तो वो अंदर गुनगुना रहे थे तो मैंने ना दरवाज़ा पकड़ लिया बाहर से ज़ोर से

तो मैं एंटर हुआ सामने से स्टेज के बिल्कुल ऑपोजिट एट द एंड ऑफ द हॉल एंट्रेंस थी तो मैं जैसे ही एंटर हुआ उन्होंने पहचान लिया हाँ। तो अपने उसी मखसूस अंदाज में कहते हैं वो जो एंटर हो अजे हाँ। <laughs> ना नाम हारूने इन्हें दाढ़ी रखी है कभी किसी की इज्जत नहीं रखी <laughs> <laughs> एक तो उनका ह्यूमर ही नेक्स्ट लेवल था लेकिन शायद लोगों को ये बताना भी बहुत जरूरी है कि वो एक बहुत ही वजादार आदमी थे वजादार। वो आपने जो उस दिन हमसे एक बात शेयर की थी जो मैं आपने जी, बताई थी वो पैसों जी, वाली जी, जी, वो भी जरा मैं चाहती वो किस्सा भी आप बताइए वही आमतौर में बल्कि आपकी आपने बहुत अच्छी बात की मैं चाहता हूँ लोगों पर जो इम्प्रेशन होता है ना खास तौर पे मीडिया के लोगों का वो भी ठीक हो जाना चाहिए जी। उसकी वजह ये है कि लोग खैर अपने अंदाज में आप जो भी देखते हो किसी को समझते हो ना एक्चुअली वो आपका अपना इको होता है आपके अंदर से बाज गश्त आई होती है कि अगर मैं मीडिया में होता तो मैं इतना ही बुरा आदमी होता तो ये भी बुरा आदमी तो हम ऐसा नहीं होता मीडिया के लोग इस तरह के नहीं होते तो हुआ ये कि मेरे पास अमान साहब आए तब मेरा मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं था मुझे कहने लगे कि एक ड्रामा प्रोड्यूस करना है फैसलाबाद में मुझे इन्वेस्टर ला दो अगर ड्रामा फ्लॉप हो गया तो मैं सारे पैसे लौटा दूंगा और अगर फ्लॉप ना हुआ हिट हो गया तो मैं पैसे तो लौटा ही दूंगा प्रॉफिट भी शेयर कर लूंगा अच्छा खैर एक मलिक खुरम साहब होते थे मैंने उन्हें मिलवा दिया उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी मेरी गारंटी के ऊपर उन्होंने कर दी अच्छा मैं अंदर से घबराया हुआ था की गारंटी मेरी है ना हुए वापस तो फिर क्या होगा तो अमान साहब ने ना सारे पैसे जो है वो आर्टिस्ट्स को इधर उधर लोगों को दे दिए ड्रामा स्टार्ट हो गया ड्रामा शायद तीन या चार दिन चला होगा तो अमान साहब मेरे घर आए उस आदमी को साथ लेके मेरे सामने सारे पैसे गिन के उसको दिए और मुझे कहा कि मैंने पता लग गया है ये ड्रामा फ्लॉप हो जाना है मैं क्या पहले फार कर दिया इतने अच्छे आदमी थे अमान साहब की बात हो गई तो दौरे हाजिर के जो कमेडियंस हैं उनके बारे में भी बात करेंगे ऐसा क्यों होता है हारून साहब के अभी जो मोस्टली लीडिंग चैनल्स पर बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं विध नो ऑफेंस टू एनी वन मतलब एज अ व्यूअर मेरा एक ओपिनियन हो सकता है ना सबके बारे में कि जैसे मैं और मेरे हस्बैंड अगर बैठे शो देख रहे हैं तो मेरे हस्बैंड को ये पता होगा कि अभी ये जो कमेडियन ये बात कर रहा है ना इससे आगे ये बात क्या बोलेगा क्योंकि बकौल उसके और जो और भी लोग हैं जिनकी मैं बातें सुनती रहती हूँ कि ये वो जोक्स हैं जो ये कितने सालों से करते आ रहे हैं जो इनके थिएटर प्लेस में भी हम देख चुके हैं इनके शोज़ अटेंड करके भी सुन चुके हैं तो नए जोक्स क्या बन नहीं पा रहे हैं क्या वजह है देखिए हो ही रहा है कि वक्त के साथ साथ जो पब्लिक का थ्रेश है ना ह्यूमर का वो बढ़ता चला जाता है मुझे वो दौर याद है कि एक रोज उमर शरीफ साहब ने अपने स्टेज पर एक जुगत लगाई किसी को जक़ात की खीर का पिस्ता जक़ात की खीर का पिस्ता? पिस्ता इस पर कोई दस मिनट तक लोग क्लैप भी करते रहे हंसते हाँ। भी रहे नई बात नहीं, है नहीं बात है आ, लेकिन आज नहीं हंसेंगे क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं जगार की खीर की, का पिस्ता अब हो ये रहा है कि थ्रेश इतना ऊपर चला गया लोगों का कि लोग चाहते हैं कि अब हम नई से नई बात करें लेकिन नए से नए लोग आए तो वो नई बात करें आप ये देखें कि सज्जाद जानी के साथ जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो नई बात करते हैं।, करते हैं जब वो नई बात करते हैं तो बहुत हंसी भी उस पर आती है मुझे ये लगता है कि हमारे जो बड़े कमेडियंस हैं उनके ऊपर जो एंकर्स बैठे हैं या उनके साथ जो ड्रामाज में डायरेक्टर्स हैं वो उन्हें पुश नहीं करते टू देयर लिमिट्स ओके भाई निकालो ये बहुत शार्प लोग हैं ये निकाल सकते हैं ये कर सकते हैं लेकिन आपका दिमाग है ना वो सुकून चाहता है वो कंफर्ट कम्फर्ट जोन कम्फर्ट में जोन से निकलना नहीं चाहता हाँ। तो इनके एंकर्स और इनके डायरेक्टर्स इनको पुश नहीं करते कि भाई अब थ्रेश ऊपर हो गया है खुद को भी ऊपर करो ये आराम से अब मैं आजकल कुछ शोज देख रहा हूँ जो कि शोज बहुत अच्छे हैं आउटलुक अच्छी है लोग बहुत बड़े बड़े बैठे हैं लेकिन वो कोई बीस बीस पच्चीस पच्चीस साल पुरानी जुगते हैं जी वो आज भी लगा रहे हैं और उस पर जो है लोग हंस भी रहे हैं और दिखाया ऐसे जा रहा है कि लोग उस पर हंस रहे हैं और वो सारा है तो जब तक आप इन्हें पुश नहीं करेंगे तब तक ये कुछ नया निकालेंगे नहीं जैसे कोच का क्या काम होता है कोच कभी भी बाबर आजम नहीं बना सकता कोच अगर चाहे कि कहे कि जी मेरी वजह से बाबर आजम सेंचुरीज कर रहा है नहीं ऐसा तो भाई नौ के नौ बाबर आजम बना लो कोच नहीं बना सकता कुछ अपने अंदर सलाहितें उसके होनी चाहिए लड़के के कोच का काम असल में ये होता है कि प्लेयर को बताना कि तुम्हारे अंदर और रन हैं इन्हें निकालो सही इसी तरह एक अच्छे डायरेक्टर का काम है कि वो अदाकार को फनकार को ये बताए कि दिस इज व्हाट यू कैन डू वो पुश करे उसकी लिमिट्स को और आगे पुश करे चादर को और फैलाए ताकि वो पाँव फैला सके ये वजह एंड के यहाँ पे आपको एक बात और कह दू एक बहुत बड़ी गलती और लोगों की है वो क्या जो कहते हैं वाह 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 वा, क्या बात कर दी आपने <laughs> ना ये बहुत नेगेटिव बात है गंदे सुर पे भी किसी को कह दिया ना अगर आपने हाँ। तो वो तो आपका दुश्मन है कहते हैं ना कि दुश्मन गलती कर रहा हो हाँ तो उसे कभी रोकना नहीं चाहिए हाँ। तो अगर आप किसी को कह रहे हैं वाह वाह आप तो बहुत अच्छा गा रहे हैं या आप तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं तो आप उसके दुश्मन है आप चाह नहीं रहे कि उसको पता चले कि उसकी कारकर्दगी में दाग है और फिर कई जगह मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि आपको कहना भी पड़ता है वो कहता है कि छोटे लोगों को बड़ा कहना पड़ा है अक्सर छोटे लोगों को बड़ा कहना पड़ा है अक्सर एक तकलीफ कई बार सही है मैंने मैंने इन्हें कहा था कि ये शेर का तड़का आपने डालते रहना क्या पता कौन सा वायरल हो जाए <laughs> अच्छा आपको ऐसा लगता है कि ह्यूमर का ताल्लुक किसी जबान से है कि आप इसे एसोसिएट कर दें कि हाँ सिर्फ अच्छी बात जो है वो पंजाबी में हो सकती है या अच्छी बात जो है वो सिर्फ उर्दू में हो सकती है क्योंकि ऐसा एक तासर है ना कि पंजाबी में आप कुछ भी कह देंगे तो हंसी आएगी डू यू थिंक ऐसा है या नहीं है मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी उस रिसर्च में ये था कि आ, एक डॉक्टर थी जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट थी तो उसको ह्यूमर के ऊपर रिसर्च करने का शौक हो गया है। तो उसने को 5 -6 साल रिसर्च की तो उसकी मैंने वो रिसर्च पढ़ी तो उसमें ये था कि दुनिया की चार जुबानें ऐसी हैं जिनमें जुगत है और उनमें पंजाबी थी आ, उसमें हिब्रू थी और उसमें अंग्रेजी थी हिब्रू मेरे लिए नई बात है कि उसमें भी जुकते हैं हाँ उसमें एक जुगत बल्कि आपको मैं बताता हूँ उसमें एक जुगत थी कि उसको मैं पंजाबी में करके सुनाऊंगा क्योंकि वो ये थी कि तेरे सारे दंद टूट जाने एक दाड़ बचे ओ ही तंग करे <laughs> मज़ेदार बात है तो उसने ये देखा था कि इन तीनों जबानों में जुगते होती, होती हैं होती। और अगर आप जाएं यूके और यूएसए में मैंने वहाँ जाके कॉमेडी थिएटर्स भी देखे और मैंने स्टैंड अप कॉमेडीज़ भी देखी वहाँ पे तो बड़ी मज़ेदार जुतें लगाते हैं और इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है खास तौर पे अगर आप चले जाएँ ना वेस्टर्न साइड पे उसकी अमेरिका की तो जैसे जैसे आप वेस्टर्न साइड पे जाते जाएंगे उतना उतना उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना वो बेहतर होता है सो मच सो कि मैं हु डैम पे गया तो मेरी वाइफ मेरे साथ थी तो जो हमारा गाइड था वो जैसे ही आया उसने मुझे हाथ मिलाते ही कहा इस साल नई लड़की भाई हालांकि <laughs> oh पहली बार गया था तो उसका पता था जो भी इसके साथ है वो लड़ेगी बचत हो गई थी फिर हाँ बचत हो गई तो बल्कि उसने बात आगे बढ़ा दी हाँ। कहता है इस साल इसको फेंकना है <laughs> <laughs> फिर उन्हें पता लग गया होगा की मजाक कर रहा हूँ तो ये तीन जुबान है जिनमें जुगत बहुत अच्छी होती है सही और ये जो इंडिया में हम एक देख रहे हैं बहुत बड़ा एक स्टैंड अप का एक मतलब तूफान इकट्ठा ही आया एकदम से सारे आए तो उस कल्चर को आप कैसा समझते हो और पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि ये बस अंडरग्राउंड ही चल रहा है या इसका कोई फ्यूचर है अच्छा हर चीज की मार्केट होती है आपने देखना है कि आप कहाँ अपनी दुकान खोल रहे हैं आप उसको सेल कहाँ कर रहे हैं ऐसा uh, नहीं है कि उर्दू ह्यूमर या स्टैंड अप कॉमेडी जो उर्दू में है उसकी मार्केट नहीं है लेकिन उसकी मार्केट इंडिया में ज़्यादा इसलिए है बिकॉज उन्हें पता है दे कैन रिलेट टू द सिचुएशन द गाय इज़ टॉकिंग अबाउट सही ठीक है हम बहुत सी चीज़ें क्योंकि हम इतने ज़्यादा मल्टी कल्चरल कंट्री में नहीं रहते तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा बातें उनकी समझ नहीं पाते कि लोग इतना बड़ा लाफ्टर क्यों दे रहे हैं दे रहे। जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जिनका एक्सपोजर ज़्यादा है या दुनिया घूमी है वो हंसते हैं उन बातों में उन्हें पता ये क्या कह रहा है लेकिन आम आदमी नहीं समझ पाता इस वजह से उनकी वो मार्केट थी उन्होंने एक्सप्लोर लेट की है स्टैंड कॉमेडी उनकी मार्केट थी वो करते थे एक्शन के साथ कॉमेडी जॉनी लिवर साहब या और बाकी लोगों को आप देखें तो वो चेहरे के जाविये बनाना और वो सब करना सॉरी मुझे याद है कि लकी फिल्म जब आई थी सलमान खान की तो उसका पहला शो मैंने दिल्ली में देखा था तो मैं हैरान हो गया कि अगर सलमान खान कोई छोटी सी बात भी करता था ना कि वो लड़की को कह रहा है कि ये क्या कर रही हो तुम तो लोग हंसना शुरू करते तो वो जरा सी रस्सी खींच दी उसने तो लोग हंसना शुरू हो गए किसी का पल्लू खींच दिया लोग हंसना शुरू हो गए तो वहां का थ्रेश होल्ड बहुत लो था लो था तो वो पहले वो करते रहे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये मार्केट स्टैंड अप कॉमेडी के लिए बहुत अच्छी है और हमारे कराची में बहुत अच्छी हो रही है मुझे पर्सनली अकबर चौधरी जी वो बहुत पसंद है वो बहुत अच्छी कॉमेडी करता है तो ये मार्केट है इसकी ऐसा नहीं कि इसकी मार्केट अच्छा आप जिस तरह का शो करते हैं उस योनरा में आपको क्या लगता है कि और कौन होस्ट है जो अच्छा काम कर रहा है वासे चौधरी ओके okay. वो पर्सनली मैं बहुत अच्छा लगता है और क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो इस योनरा में पसंद नहीं है, और लगता है। अच्छा? मुझे भी थोड़ा और लगता अच्छा, है। भी और लगता है। असल में बात यह है कि एक पर्सनैलिटी का और होता है है। जो एक होस्ट की एक एंकर की पर्सनालिटी का और होना चाहिए uh, सब चीजों के uh, को एंड पे वो पानी एक ही तरफ जाता है तो एक तरफ उसका वजन होना चाहिए जहां से बात इनिशिएट हो अगर एंकर खुद भी सब फनकारों के साथ फनकार ही बन जाए एक्टिंग ही स्टार्ट कर दे उनके साथ तो वो शो बिल्कुल एक लेवल पे आ जाता है और वो शो हिट नहीं होता और ऐसा तजर्बा हो चुका है आपको बताता हूँ आपको बताता हूँ एक शो था जिसमें नसीम विकी नरगिस, इफ्तार ठाकुर आगा माजिद सलीम अल बेला कैसर पिया अकरम उदास, जफरी खान ये सब लोग थे इरफान खूसट साहब सब लोग थे इसमें यू यू नेम इट इवन बब्बू राना वो भी सब थे और वो फ्लॉप हो गया ये एआरवाई पे ही पेज एआर वाइज था हाँ, राइट। क्योंकि एंकर नहीं था नहीं था। तो जुनेद हैं और लेकिन मुझे जो बहुत पसंद है, हाँ। वो है। और मुझे उसकी पंच उसका गुफ्तु और वो सारा वो बहुत अच्छा काम कर और वो आपकी बहुत तारीफें करते हैं मेरी उनसे जितनी बार मुलाकात हुई अच्छा। है वो मुझे कहते हैं मेरा सलाम जरूर पहुंचाएगा सलाम दीजिएगा और मैं उनका फैन हूँ और वाकई में मतलब अगर हम देखें इस वक्त जितने शोज हो रहे हैं उनमें

कि जब काम का टाइम आएगा तब तो हम जाएगी रखता हूँ काम अपना तो जब ब्लॉक लगता है ना ऐसा बुरा ब्लॉक लगता है लेकिन उसमें ये है कि मैंने कुछ थोड़ा बहुत उस बारे में पढ़ रखा है कि आपने अपने उस ब्लॉक को कैसे तोड़ना है यू हैव टू इन्वोक योर म्यूजिस आपको याद करना है कि लास्ट टाइम जब बेस्ट आपके जहन में चीजें आई थी उस वक्त आप क्या कर रहे थे सो गो देर अगेन गो थ्रू दैट अगेन तो वो ब्लॉक टूट जाता है तो अल्लाह का शुक्र है कोशिश कर करके अब मैं ब्लॉक तोड़ लेता हूँ बट इट एटलीस्ट टेक्स मी लाइक कपल ऑफ डेज और पसीने छूट जाते हैं कि शो आ जाएगा हाँ। और ब्लॉक लगा हुआ तो क्या बने आप खुद को क्या कहलवाना पसंद करते हैं टीवी होस्ट बिजनेसमैन मैन दानश्वर मोटिवेशनल स्पीकर राइटर क्योंकि आप लिखते भी हैं आई नो क्या कहलवाना आप पसंद करते हैं कि ये चीज़ मेरी पहचान होनी चाहिए सच बता, सच बता बता दूं दिल की बात आपका पॉडकास्ट है हाँ जी। तो दिल की बात बता देता हूं आपको मैं ये चाहता हूं कि मेरा नाम ही एक्चुअली एक डिफरेंट योनरा क्रिएट कर दे सब वो काम जो पहले नहीं चल पाए फॉर एग्जाम्पल एक टीवी एक्टर को कभी लोगों ने कबूल नहीं किया पोलिटिकल टॉक शो में मैं मिसाल दे रहा हूँ

आगे एक सिटकॉम बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक फ़िल्म लिखी थी दो फ़िल्में लिखवाई थी और उनको बनाने के लिए थोड़ा बहुत मैंने काम भी किया लेकिन फिर हालात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के और उन सब चीज़ों को उसको मैंने होल्ड पे किया है अब मैं एक सिटकॉम बना रहा हूँ और सिटकॉम के बाद मैं थोड़े से और ड्रामास बनाऊँगा और उसके बाद मैं किस्मत आजमाई करूँगा ड्रामास और फिल्म के अंदर अच्छा फिल्म में तो खैर पहले भी एक काम उसके ऊपर चल जी, रहा मैंने, है मैंने मेरे दो तीन स्क्रिप्ट बहुत शानदार तैयार करके रखे हुए बहुत ही शानदार क्योंकि मुझे पर्सनली सस्पेंस थ्रिलर्स पसंद है हाँ। मुझे लगता है वो फिल्म ही क्या है कि आप बैठे हुए आप पहले जिंदगी में रो रहे हो वो आपको और उला रही है हाँ। तो या तो फिल्म होनी चाहिए हंसाने वाली हंसाने वाली या इतना अपने अंदर कैप्टिवेट कैप्टिवेट करके करके आपको हिलने ना दे कि अब क्या होगा अब क्या होगा प्लॉट ट्विस्ट मुझे बहुत पसंद है तो मैंने उसी तरह की फिल्में लिखी हुई है और लिखवाई भी हुई है क्रिटिक कौन है आपका सबसे बड़ा लाइफ में और जिसको आप मतलब समझते भी हैं कि हाँ ये जो बात करता है ना ये हमेशा सही मुझे मशवरा देता सही तनकीद करता आ, अच्छा इसमें एक बात है इर्जा मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग तनकीद करते हैं ना तो उस तनकीद के अंदर तन्कीदें ही अगर दस तनकीदें हुई हैं तो क्योंकि सब तनकीद जो है वो बरा तमीर नहीं होती बरा तकरीब भी होती है तो मैं उसमें पिक एंड चूज कर रहा होता हूँ कि असली वाली कौन सी और बहुत सी सही होती है वो जो सही होती हैं ना वो मुझे और ऊपर उठा देती हैं मैं उन चीजों को ठीक कर लेता हूँ वो मुझे और ऊपर उठा देती हैं और मैंने ये देखा है कि मेरी अपनी जो इंट्यूशन होती है मैं जो अपना एनालिसिस करता हूँ अल्लाह तला का इतना करम है मुझे लगता है कि मैं यहाँ गलत हूं और वही तनकीद कहीं ना कहीं से आ जाती है सही। और मुझे वो डबल चेक हो जाता है कि मुझे भी लग रहा था और ये तनकीद भी आ गई है सो so, कोई एक आदमी ऐसा नहीं है मैं अपना आ, रोजाना एनालिसिस करता रहता हूँ और मैं बैठता मैं सोचता हूँ मुराकबे में जाता हूँ, अपना करता आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करता हूँ और जब एहसास होता है मैं बहुत तकलीफ में जाता हूँ और उस तकलीफ से जब मैं निकलता हूं तो मैं सान पे लग गया होता हूँ और तेज हो गया होता हूँ वो कहता है कि मेरे रोने का जिसमें किस्सा है वाह मेरे रोने का जिसमें किस्सा है उम्र का बेहतरीन हिस्सा हिस्सा है जबरदस्त जबरदस्त होशियारिया की थोड़ी सी बात करते हैं करें फेवरेट कमेडियन होशियारिया से नहीं एक आप अगर एक माँ से पूछें कि आपका बच्चा सबसे अच्छा एक होता है जेड़ा बोता लाडला होता है जो, और जो बोता कमाता है <laughs> <laughs> हाँ ये, एक, ये एक सच है। मेरे मुझे यहाँ से याद आ गया कि एक दफा ना मेरा दोस्त एक मेरे पास आया तो मुझे कहने लगा कि यार मां भी मैंने कहा क्या मतलब कहता है यार पहले ना क्योंकि उसके चार भाई थे चारों की शादियां हुई हुई थी तो घर में भाभियां थी या वालदा थी तो कहता है पहले मैं अगर सुबह आठ बजे भी उठ जाता था और कहता था अम्मी किसी से कहें मुझे नाश्ता दे दें तो वो कहती थी ये सारिया तेरिया नौकरा नहीं है टाइम है तेरे उठन दा हाँ। ते बना दे नहीं नहीं जे, जो तो बना देखिए कोई वेली वैली हो हाँ। तो उसके बाद कहता है अब मैं कमाता हूँ अच्छे खासे पैसे हाँ। अम्मी के हाथ में भी रखता हूँ जाके महीने के महीने कहता है बारह बजे भी उठता हूँ ना तो पहली आवाज लगती है भ्रा उठाया जो नाश्ता बनाओ तो हाँ ये बात आपकी ठीक है और देखिए अगर मैं अगर तराजू पकड़ पकड़ी लू तो बड़ी बेहमी के साथ मेरे पलड़े में और सलीम ये येवीएस्ट है हाँ। नहीं इनमें से भी एक एक, एक, एक बताना है ट्विंस का चक्कर नहीं है इनमें भी एक बताना है अच्छा इनका दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है, है हाँ। है अच्छा I एक हाँ, एक बॉलर है और एक बैट्समैन है और मेरा ख्याल है आ, अगर एक्टिंग की बात हो ना एक्सप्रेशन के साथ हंसाने की तो कोई मैच नहीं आगा माजिद का और अगर सलीम साहब तो हंस पड़ते हैं वो खुद हंस पड़ता है बात करते हुए और अगर होना कि विट नई बात जुगत घुमा के बात को लाना उतार चढ़ाव के साथ और नई से नई दिमाग में बातें वो सलीम है सलीम साहब है और फेवरेट पर्सन ऑन द सेट कमेडियन नहीं फेवरेट पर्सन फेवरेट पर्सन अच्छा आप टैलेंट में से बात करें पूरी सत्तर लोगों की टीम नहीं से? नहीं, नहीं टैलेंट में से जो ऑन स्क्रीन आता है जिनका हमारे व्यूअर्स को पता है सबसे फेवरेट पर्सनालिटी अच्छा इसमें देखिए मैं ऑडियंस को बता दूं ना यहाँ शराफत की बात हो रही है ना यहाँ टैलेंट की बात हो रही है ये कोई बात नहीं यहाँ पे हो रही यहाँ पे बात सिर्फ हो रही है मेरा पर्सनल फेवरेट तो वो हैं एक खातून वो मेरे साथ अगर आपने आपनेशारियाँ देखा हो हाँ। तो उसमें को होस्ट के तौर पे गई और उसके आ, आ, मेरे अपने रीजंस भी हैं अच्छा आ, उसकी वजह ये है कि like हाँ उसके रीजंस हैं मैं दूंगा उसके रीजंस उसके रीजंस ये हैं कि आप जब तक शो में नहीं आई थी तो और एक दो और खात के साथ में दो माह के बाद मेरी एंट्री हुई थी जब शो जी, शुरू जी, जी, दो के उससे पहले गुस्ाखिया में और थी को होस्ट और मैंने बाकी शोज में भी को होस्ट को देखा है तो मुझे एक्चुअली को होस्ट का कॉन्सेप्ट ना आ, बाकी शोज के अंदर सिवाए एक डमी ट्रॉफी के और कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रही है वहां बैठ के को होस्ट का मतलब होता है को पायलट कि जिस वक्त पायलट जहाजों में ज्यादा जहाज को पायलट ही चला रहा होता है जी बड़ा पायलट तो बस बैठा होता है उसकी बस तनख्वाह ज्यादा होती है हाँ। <laughs> <laughs> तो बात यह है कि प्रॉपर आपको पूरा पूरा काम काम आना चाहिए पूरा काम करना चाहिए करना तो ऑफ स्क्रीन भी और ऑन स्क्रीन भी आप जिस तरह से शो को लेके चलती हैं और जिस तरह से आपकी मेरी केमिस्ट्री बन गई है कि आपको पता है कि अब मैं बैकफुट पे हो गया और आपने हिटिंग करनी है तो आप वहां पे हिटिंग कर रही हैं जहां आपको लग रहा है कि अब ये लल मोमेंट आ गया है तो यहाँ पे अब किसी ने इसको उठाना है तो आप उसको उठा लेती हैं किस पे हंसना है किस बात पे नहीं हंसना तो मतलब मुझे सबसे ज्यादा कम जो प्रॉब्लम बल्कि आती नहीं है सबके साथ मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है जैसे कोई ओवरलैप करता है उसको मुझे पता ही बहुत ओवरलैप करेगा किसी को उसका ही समझ नहीं आता कोई अजीब बात कर देता है तो आपसे मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ और आप प्रॉपर शो को लेके थैंक यू सो मच और मैं इसमें क्रेडिट आपको देना चाहूँगी वो इस वजह से क्योंकि मैंने इस तरह के किस्से देखे हैं और सुन रखा है कि इनसेरिटीज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से को होस्ट को अक्सर औकात दबा दिया जाता है कि ये कहीं आ, कुछ अलग नज़र ना आ जाए या इसमें कोई स्पार्क दिखाई ना दे जाए तो इसको ज़रा दबा के ही रखो ये सिर्फ हंसे अगर बोल भी रही है तो सब कटवा देना Okay. ये होता है लोगों okay. के साथ okay. तो मुझे लगता है कि आपने कभी इस तरह का कुछ फील नहीं किया बल्कि अगर मुझे कभी मैं डाउन फील करी हूं, तो मैं कम बोली हूँ शो में तो हारून साहब आएंगे और कहेंगे कि तुम बोल क्यों नहीं रही हो exactly. मुझे नेक्स्ट सेगमेंट में तुम्हारा ज़्यादा इनपुट yeah. चाहिए बिल्कुल तो इसमें आपको भी क्रेडिट जाता है you. एक okay. तो आपकी ये साइड है जो आ, हमारे ऑडियंस ने बहुत लेट देखना शुरू की है कि आप बहुत चिल भी हैं और आप में एक ह्यूमर भी है पहले आप बहुत संजीदा रहते थे ये आप आहिस्ता आहिस्ता क्यों खुले हैं आई वॉज टेस्टिंग द वॉटर्स पहली बात ठीक है कि मैं मीडिया में नया था हाँ। और अल्लाह का शुक्र है कि अजीब काम ये हुआ कि फौज में आते ही मुझे जे एफ सेवनटीन थंडर मिल गया। मिल गया तो एक दम से उसको उड़ाना और वो सारा तो मैं थोड़ा सा रिजर्व था मैं वाटर्स टेस्ट कर रहा था कि मैं किस लिमिट तक जा सकता हूँ मैं कितना क्या कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ये पता था कि अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ माय लॉर्ड कि ऑल माइटी वे कि मैं खुद एक्ट भी कर सकता हूँ मैं डायलॉग्स भी बोल सकता हूँ मैं लिख भी सकता हूँ मैं ह्यूमर भी कर सकता हूँ तो लेकिन मुझे था कि शायद दिस इज नॉट फॉर माई सीट पहली बात लोगों बात, को ऑडना लगे लोगों को ऑडना लगे और मैं चेक कर लूं कि लोगों की एपिटाइट है कि नहीं बिल्कुल कि मैं लाफ्टर्स दूं या ना दूं मैं अपने अंदर का असल वो बाहर लेकर आऊं या नहीं पहली बात तो ये थी दूसरी बात ये थी कि जो अभी तो एज यू नो कि आई एम डायरेक्टिंग द शो एज वेल तो जो पहले डायरेक्टर्स जिनके साथ मैं काम कर रहा था मैं ये समझता हूँ जिंदगी में अगर आपके पास कोई प्रो है जो काम कर रहा है, कर रहा है। आपको उसके काम में रखना नहीं, नहीं करना चाहिए, चाहिए। बिल्कुल आपको उस पर पूरा ट्रस्ट करना चाहिए तो पहले जो मेरे साथ डायरेक्टर थे जो मुझे डायरेक्ट करते थे वो जैसे जैसे जो जो कहते थे एक होने हार बच्चे की तरह मैं वो करता था लेकिन जैसे ही मैं खुद उस सीट पे आया तो फिर मैंने खुद को खुद डायरेक्ट करना शुरू किया इसलिए आपको एक एक चेंज नज़र आ रहा है है बिल्कुल तो ये एक आपकी ये आपकी वाली साइड भी जब हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जाते कि आपकी एक स्पिरिचुअल साइड भी है क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो हाउ इज योर रिलेशनशिप विद अल्लाह अल्लाह अल्ला के साथ मेरा रिलेशनशिप ये है कि वो मेरे साथ डायरेक्ट डायलिंग पे और आ, मुझे वक्त लगा ये करने में लेकिन आ, हो गया कि मुझे ये एहसास कि वो हर इंसान के साथ जो है ना वो डायरेक्ट डायलिंग पे है तो मैं आ, जैसे ही उनको इन्वोक करता हूँ ना दिल में नाम लिए बगैर भी तो इज़ ऑलवेज देयर और आ, मुझे आ, बहुत लेट पता चला चलाजा मैंने किताब पढ़ी द सीक्रेट <coughs> अब वो किताब किसी और ने लिखी सही। और दुनिया में उस किताब ने तहलका मचा दिया वो किताब ये थी कि अगर आप यकीन कर लो कि आज से दस साल के बाद आपके पास एक पैलेस होगा तो होगा मैनिफेस्टेशन उस मैनिफेस्टेशन को जब मैं उठा के अपने पास लेकर आया और मैंने मुराकबा उसके ऊपर किया तो मुझे एहसास हुआ वो मैनिफेस्टेशन क्या है ईमान क्या आपको नहीं पता कि वो हर चीज पर कादिर है बिल्कुल है। वो इस चीज पे भी कादर है कि अभी आप इस दफ्तर से बाहर निकलें तो बाहर एक बहुत महंगी गाड़ी कोई लेके आपके लिए खड़ा हो ये वो कादिर है इस चीज़ पे। क्यों नहीं खड़ा होगा क्योंकि हमारे अंदर अपने एक चोर है जो कहते यार ऐसा होता तो नहीं है ना हाँ। जिस दिन हमने वो चोर बाहर निकाल दिया तो उस दिन हम सही यकीन कामिल के ऊपर आ जाएंगे पुख्ता ईमान जिस पुख्ता ईमान फिर हर चीज मैनिफेस्ट होती है तो फिर कभी मौका नहीं आएगा कि आप अल्लाह अल्लाहियाँ को कहें कि अल्लाह मुझे तुझे ये उम्मीद नहीं थी हो ही नहीं सकता उससे आप जो उम्मीद लगाएंगे वो से पूरा उतरेगा लेकिन उम्मीद यकीन कामल के साथ होनी चाहिए बेशक किताब का आपने ज़िक्र किया तो यह मेरे जहन में था मैं आपसे पूछूंगी कि वो किताबें कौन सी हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बदल दी या आपको लगा कि ये किताबें जो है ये हर किसी को पढ़ना चाहिए और इससे फ़ायदा होगा और आप कि पूरी अबाउट अबाउट लाइफ योर करियर बिल्कुल चेंज हो जाएगी उसमें बहुत सी किताबें हैं मेरा ख्याल है कि अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना है तो जिन किताबों ने सबसे बड़ा इंपैक्ट मेरी पर्सनैलिटी पे दिया वो डेल कारनेगी की किताबें अच्छा डेल कारनेगी की, की जितनी किताबें हैं वो सारी की सारी दुनिया में मैं ये समझता हूँ दो ही लोग बसते हैं एक वो जिन्होंने डेल कानी को पढ़ा है पढ़ा है और एक और नहीं। और दूसरे वो जिन्होंने नहीं पढ़ा अच्छा ये बहुत बड़ी डिवाइड है ठीक है तो आप ये देख लें कि वो वो इंसान था कि जिस वक्त आपका सोशल मीडिया भी नहीं था चैनल्स भी इतने ज़्यादा नहीं थे अगर उसने न्यूयॉर्क में कहीं कोई तकरीर करनी है ना आके मोटिवेशन देनी है या कोई सेल्फ हेल्प के बारे में बात करनी है तो न्यूयॉर्क के होटेल्स के जो रेंट्स थे वो ऊपर चले जाते थे और ट्रैफिक जैम्स हो जाते थे और बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि डेल कानगी ने दो घंटे की तकरीर करनी है लोग आए हैं उन्होंने कहा सर हमने दो मिनट आपके बारे में बताना है कि आपकी बात की वजह से आज मैं मिलियनर बन गया दो मिनट मुझे चाहिए तो लोगों को दो दो तीन तीन मिनट देते देते सिर्फ उन्होंने यही बताया माइक पे आके कि इनकी फलां बात से मैंने ये जिंदगी में चेंज की और मैं कामयाब हो गया बताते बताते दो घंटे गुजर गए डेल कानगी कुछ नहीं बोले और घर चले गए इस तरह का वो आदमी था तो एक तो वो उसको जिसने नहीं पढ़ा वो मुख्तलिफ है पूरी है, उन लोगों से जो okay. जिन पढ़ा है। एक तो उसने दूसरा आ, दुनिया को ज़िंदगी को समझने के लिए एक किताब है सफ़र यानी सफ़र करना ट्रेवल करना कहीं भी चले जाओ लेकिन ट्रेवल करो लोगों की जिंदगियां देखो देखो लोग किन मुश्किल में और अगर तुम ट्रेवल नहीं कर सकते हो भाई तो फिर ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ें ऑटोबायोग्राफीज़ में दो टॉप की ऑटोबायोग्राफीज़ एक है बोर्न क्राइम बॉर्न क्राइम क्राइम खुदा के वास्ते वो किताब पढ़े ट्रेवर नोवा ट्रेवर नोवा ट्रेवर नोवा ट्रेवर नोवा जो इस वक्त अमेरिका का हार्ट थ्रॉब है मल्टी मिलियन एयर नाउ उसका बचपन में जब वो टीन्स में था उसका एक शौक था काश जिंदगी में कभी ऐसा मौका आए कि मैं छत के नीचे टॉयलेट जाऊं ओपन में जाता था बेचारा। ओपन में जाता था और आप अंदाजा करें कि वहां रैग से भी नीचे, हैं और एक किताब और पेल फेस्ड लाए अच्छा अपने को जानने के हवाले से करने के हवाले से बहुत बार हम गलत हीरोज बना के बैठे होते हैं जिंदगी में तो ये दो किताबें अच्छा आपने हीरोज uh, आपने बोला तो मेरे जहन में मैं पूछू कि वो कहते हैं नेवर मीट योर हीरोज तो mm -hmm. क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स था जिससे आप मिलना चाहते थे और आप बहुत उससे इंस्पायर्ड थे बड़ा इम्प्रेस थे लेकिन जब आप मिले तो आपने कहा कि मजाक होया है हाँ तो <laughs> ये 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 बात आपकी ठीक है uh, would, because, ये थोड़ा सा ना उसमें चला जाएगा आई वुड नॉट नेम देम हाँ। बट मीडिया में आके बहुत से ऐसे लोग लेकिन थे। कोई बात तो बता सकते हैं ना कि आपने उसमें ये चीज देखी और आपने कहा कि यार <laughs> ये तो बता सकते हैं नाम ना ले हाँ अच्छा आ, ऐसे लोग जिन्होंने आके मुझे ये भी बताया कि उनसे बड़ा कोई स्पिरिचुअल आदमी नहीं है आ, मीडिया में थे वो और उन्होंने अपने बातें वो बताई कि जिससे हर कोई उठे और उनके हाथ चूम ले और कहे हमारे लिए दुआ कीजिएगा जब उसी शख्स ने आपके साथ एक धोखा किया हाँ। और धोखा करने के बाद आपने जब उसका वो दूसरा चेहरा देखा तो वो वो था कि जैसे इंडियन फिल्म्स में विलन बैठा होता है और वो गिलास हाथ में होता है और पीछे से वो हटता है और कहता है आओ ये है हकीकत हाँ। तो मैंने जब वो देखा तो मैंने कहा एक, एक इंसान इतना दोगला कैसे हो सकता हाँ। तो ये ये चीजें मैं देख के बहुत तो मीडिया में आने से पहले लेकिन सॉरी यहाँ पे हाँ। एक, एक, बात और कह ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में मेरी परसेप्शन अच्छी नहीं थी लेकिन वो बहुत ही अच्छे निकले ऑफ कोर्स हाँ, ये भी होता है बहुत ही अच्छे निकले और ऐसे लोग जिनका मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये स्क्रीन पे अच्छे आते हैं परसेप्शन भी अच्छा है लेकिन इंसान बहुत बड़े हैं वो ऐसे भी लोग देखें तो मीडिया में आने से पहले क्या तासुरात थे आपके इस इंडस्ट्री को लेकर क्यों, क्योंकि आप बहुत लेट आए जी 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 और फिर किस तरह परसेप्शन जो या बदला या वही रहा या बेहतर हो गया अच्छा नहीं बदला बदला आ, उसकी वजह ये थी कि मैं क्योंकि बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था तो बिजनेस में र्ज़ा ये होता है कि आप यू हैव टू बी ऑनेस्ट ऑनेस्टी आपका कैपिटल है देखिए अगर हाँ मैं, मैं, <laughs> देखें, जो आप, नहीं पाई ना पैद है एग्जैक्टली exactly. ऑनेस्टी <laughs> आपका कैपिटल इस तरह से है कि अगर मैं हमेशा आपके साथ ऑनेस्ट रहा हूँ हाँ। तो मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं मैं फिर भी अगर आपको कहूंगा ना मुझे एक करोड़ का माल दे दें तो अगर मैं ऑनेस्ट रहा हूँ थ्रू आउट तो आप मुझे दे देंगी कि ये बेच के मुझे पैसे लौटा देगा चंगा है। जी तो ऑनेस्टी ये जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आप देखते हैं ये ऑनेस्ट लोग हैं अगर ये ऑनेस्ट ना होते तो इतना ऊपर ना आ पाते मैं जानता हूं जो डिसऑनेस्ट है वो जहाँ खड़े थे वो वहीं खड़े हैं तो ऑनेस्टी तो कैपिटल होता है ना तो वो आपने संभाल के रखना होता है तो यहाँ आके मुझे पता चला कि इस फील्ड में इट्स अदरवाइज लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि लोगों को जज करना अल्लाह ताला का काम है इंसानों का काम नहीं मैं किसी को जज नहीं कर रहा मैं इस फील्ड में आया हूँ जैसे नया नया वकील बनता कोई तो कहता मैं कभी किसी मुजरिम का केस नहीं लूंगा और फिर सब ज्यादा मुजरिमों के केस ले रहे होते हैं तो कभी भी इंसान को इंसान को जज नहीं करना चाहिए नहीं दोस्तों की महफिल में बैठ के आप कर सकते हैं इतनी इजाज़त है अच्छा नहीं मैं वहाँ भी नहीं करता वहाँ <laughs> लोग करते हैं वो कहता है कि एक बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ गया खुदा है लोग <clears throat> खुदा है लोग गुना हो सवाब देखते हैं हाँ। सो हम तो रोज ही रोजे हिसाब देखते हैं कुचल कुचल के ना फुटपाथ पर चलो इतना यहाँ पे रोज एक मजदूर खाब देखते हैं

उनको <laughs> बेची दिया था बिक गए गए थे थे या जी, बच थे? जी एक्चुअली तो उन्होंने मजाक के तौर पे उन्हें एक ना कुछ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना हाँ। तो इस तरह के ना कोई एक खातून टकर गई तो मैं दूर तस्वीर खींच रहा था ये बात है कहा की ये, ये वेनिस की बात है अच्छा तो मैं दूर कुछ तस्वीर खींच रहा था तो उन्होंने वहा पर मुझे अब वो क्योंकि वो भी हुज हुए हैं हाँ। मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले सकता कि लोग जानते हैं उन्हें भी तो वहां पर उन्होंने खातून को कहा कि हम जो जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लोग बिकते हैं हाँ। तो हम इस आदमी को बेचना चाहते हैं तो उन्होंने मेरा वो रेट शेट लगा दिया आपको नहीं पता था जी मुझे पता ही नहीं मैं तस्वीरें खींच रहा हूँ जब मैं वापस आया तो उन्होंने कहा भाई हमने तेरे पैसे पकड़ लिए हैं Uh, कुछ नहीं मेरे माफिया मांग मांग के पैसे वापस दिलवाए तो, तो अच्छा और अगर वो सब भाग जाते तो क्या बनता तो फिर वो तो आपको लेकर ही जाते <laughs> लेकर ही जाते अल्लाह खाना का आपको सबसे ज़्यादा पसंद है डिफरेंट यानी देसी खाना नहीं uh -huh. आ, उस जगह का जो उसकी स्पेशलिटी थी uh, मुझे सैन uh, फ्रांसिस्को में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनमें जितनी भी डेलीकेसी हैं

कुछ पता नहीं है यहाँ पे फ्यूचर का तो क्यों ना मैं खुद को तो सिक्योर करूँ मैं कहीं बाहर मूव हो जाऊँ कभी ये ख्याल आया हो या सोचा हो एक मरतबा इंडस्ट्री पर पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात आ गए जब बुरे हालात आए तो मैंने अपने एक टीचर से ये बात की कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंडस्ट्री को यहाँ से वाइंड अप कर दूँ और बाहर ले जाऊँ क्योंकि लोग लेके जा रहे हैं <coughs> उन्होंने मुझे ये कहा कि जब सब लोग यहाँ से इंडस्ट्री ले जाएंगे थोड़ी बहुत चलती रहेगी मैंने कहा हाँ चलती रहेगी उन्होंने कहा जो थोड़ी बहुत चल रही होगी वो लोग पैसे कमा रहे होंगे मैंने कहा कमा रहे होंगे तो उन्होंने कहा वो तुम क्यों नहीं हो सकते हो तो इस बात ने मुझे काफी जबरदस्त हिट किया तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में दो तीन तरह के लोग हैं ना एक तमाशा देखने वाले दूसरे भागने वाले और तीसरे यहां रह के मेहनत करने वाले तो आपने क्लासीफाई करना है खुद को रोजी रोटी रिस्क सबको मिलना है तो नॉट मैं इसी को बचाएंगे यहीं पे चलेंगे, और यहीं से कामयाबी भी देगा, देगा। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने ये मशवरा दिया कि आपको चले जाना चाहिए बाहर और क्योंकि पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा इंजेक्शन लगता है

मुझे ऐसा है लगता है कि किसी और यूनिवर्स में आप सिंगर होंगे शायद <laughs> <laughs> I know गाता, I know नहीं लेकिन मुझे <laughs> लगता है कि आपको बहुत शौक है मुझे इतना शौक है कि आप यकीन करें मुझे अगर गाना आता आपको होता है। शौक है और हमें इंग्लिश वाला शौक हो जाता है <laughs> हाँ, अगर मुझे गाना आता होता ना तो मैं तो हर वक्त गाता ही रहता या कोई अगर मुझे इंस्ट्रूमेंट बजाना आता होता तो मैं हर वक्त बजाता रहता मुझे इतना शौक है और मैं बड़े रश की निगाह से देखता हूँ लोगों को जो बहुत अच्छा आपकी प्ले लिस्ट में कौन कौन से गाने होते हैं आजकल मेरी प्ले अच्छा मेरी प्ले का आपको यकीन नहीं आएगा कि ये क्या है ये क्या बदतमीजी है हाँ। कि एकदम से चलेगा के इंडियन गाना कोई खबे हथ हाँ। रोली चेक कर हाँ। तो उसके फौरन बाद ना फैज साहब की एक शानदार मैं भी बिल्कुल ऐसी हूं। साथ ही पंजाबी हाँ। मेरी चुनी दिया रेशमी तन्ना हाँ हाँ। तो साथ ही वो चल जाएगा रागा बोन का गाना चल जाएगा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्योंकि मैं जब से यहाँ पे होशियारिया में आई हूँ ना मैं बहुत सारे नए म्यूजिक से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ जैसे वो तो नूरजहां जी का एक गाना है मुझे नहीं पता था कि वो उनका गाना है और मैंने पहले सुना भी नहीं था ये हर वक्त वो खुसरे बन के हाँ। एक सेगमेंट होता है ना हमारा उसमें वो वो गाते रहते थे ने <laughs> या वो मुझे इतना पसंद आया मैं वो भी सुन रही हूँ और साथ में मैं कोई गजलें भी सुन रही हूँ तो वो एक मिक्सचर सा बन जाता है आपकी प्ले लिस्ट में लेकिन मुझे पता है कि आप जब बहुत थके हुए होते हैं या थोड़ा आपका दिमाग जो है वो वो रिलैक्स होना चाह रहा तो आप मेटल म्यूजिक भी सुनते हैं जी बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल सुनता हूँ और आ, कभी समर वाइन लगा हुआ वा है तो समर वाइन के फौरन बाद नसीबों का गाना लग जाएगा तो साथ बैठा हुआ आदमी बड़ा हैरान होता है कि यार ये क्या बदतमीजी हाँ, है हेडबैंगिंग भी करते हैं फिर हाँ <laughs> हमने एक नई साइड आपकी आज एक्सप्लोर की है मेरा ख्याल है मैं तो इससे वाकिफ़ थी लेकिन हमारे व्यूअर्स नहीं थे मैंने बहुत इन्जॉय किया है इस पॉडकास्ट को और much. मैं इसको अभी मज़ीद कंटिन्यू करना चाह रही हूँ लेकिन मुझे लगता है कि हम इसके पार्ट्स करेंगे इन हम आपको फिर से जहमत देंगे और बड़ा मज़ा आया मुझे इस कॉन्वर्सेशन का आप भी मेरी थोड़ी तारीफ कर दें मैंने तो काफ़ी की अब नहीं अभी मैंने बहुत सी पॉडकास्ट पहले की भी हैं इंटरव्यूज भी दिए हैं लेकिन ऑन ऑन अ वेरी सीरियस नोट ये सबसे लंबा था हाँ। और ये सबसे मजे का था मच so जाते जाते वो वायरल शेयर जरा अता कर दे अच्छा <laughs> आ, आ, वो ये है कि यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे यार भी राह राख की <coughs> दीवार आवाज़ यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे ऐ... ऐ... नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है और गुनाहगार गुनाहगार समझते हैं मुझे वाह थैंक यू सो मच